हमेशा यानी कि सही बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम टेलीटॉक पर। कैसी हैं आप और कैसी चल रही शूटिंग? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और शूटिंग भी अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताइए कि तस्वीर और लोग की बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है शो को और यू नो इतनी ज़्यादा पार सफलता शो को मिली है, ऑडियंस इतना प्यार दिया है, शुरू से इतना ज़्यादा मोहब्बत दी है लोगों ने सई के किरदार को और जो सई और सावी के जो क्यूट क्यूट रोल्स हैं उनको इतना ज़्यादा प्यार दिया है, तो हाउ डज इट फील लाइक? बहुत बहुत खुशी महसूस होती है जब इतना प्यार मिलता है ऑडियंस का, उन्हीं के लिए यू नो परफॉर्म किया जाता है, उन्हीं के लिए लिखा जाता है, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है, तो उनको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लगा है और उन्होंने प्यार शेयर किया है, किरदार को भी इतना सारा प्यार दिया है और मुझे पर्सनली इतना सारा प्यार दिया है, शो को इतना सारा प्यार दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एस वी ऑल नो थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं हम आपको कि आप एक लॉयर हैं राइट? करेक्ट। सो हाउ डिड यू थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, कैसे ये सारी चीजें मन में आई? देखिए एक्चुअली मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है, मुझे इतना पता था कि कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड में करना है क्योंकि थोड़ा रुझाव था उस तरफ। और मेरी एक फ्रेंड थी गरिश्मा विचारे करके, तो उनसे मेरी बात यू नो मैं जब भी कॉलेज ओवर हो जाता था तो मैं उनको पिक्चर के डायलॉग्स बोल के सुनाती थी और एक्टर्स हैं उनकी कॉपी एक्टिंग करके मिमिक करके दिखाती थी, डायलॉग बोल के दिखाती थी या कुछ ऐसे यू नो आई यूज़ टू डू दैट। तो शी गॉट लाइक रियली रियली वो कि अरे यार यू, तो एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल कट किया और मुझे दिया एंड बोला कि आप जाओ यहाँ पे एंड डोंट ईट माई ब्रेन। तो मैंने देखा तो वो एक एक्टिंग स्कूल अनुपम खेर सर के एक्टिंग स्कूल का वो था एडवर्ट, और मैंने सोचा तब तो मैंने रख दिया था, लेकिन फिर ग्रेजुअली आई थॉट कि चलो मे बी आई शुड गो एंड एक्सप्लोर कि क्या है, मतलब रुझान होना एक बात है और यू नो कर पाना उस चीज़ को वो एक अलग बात होती है। और अगर आप ट्रेनिंग, तब तो नहीं पता था मुझे, तब भी नहीं पता था NSD और इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, बट यू नो मुझे लगा कि यार जानकारी लेनी चाहिए कि क्या है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आई वेंट देयर एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगन। बहुत ही प्यारी जर्नी रही जिस तरीके से आप बता रही है, मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय आपका दोस्त होता तो बहुत ही चीज़ें देखने को मिलती, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। अच्छा ये बताइए गुम है किसी के प्यार में, लोग इतना ज़्यादा लोग प्यार करते जैसे मैंने पहले भी कहा, तो टेल मी शुरुआत कैसे हुई थी, हाउ यू गॉट द रोल इन गुम है किसी के प्यार में, क्या अप्रोच थी? बहुत पहले यू नो तब गुम का स्टोरी लाइन डिफरेंट था, मतलब उनका बैकड्रॉप डिफरेंट था, तो तब मैंने कुछ ऑडिशन किया था, तब सई का आई थिंक नाम शीन था, तो डिफरेंट नेम था कैरेक्टर का और बाकी कैरेक्टर्स का भी डिफरेंट था, तो तब उन्होंने ऑडिशन किया था एंड फिर काफ़ी टाइम तक मंथ्स तक देर वॉज़ नो न्यूज़ अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं, देन लॉकडाउन हैपेंड, लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के दौरान ही मुझे दोबारा कॉल आया कि आपने इस चीज़ का ऑडिशन दीजिए, और घर से ऑडिशन देना था तो मैंने घर से ऑडिशन करके भेज दिया एंड मैं इमीडिएटली मैंने उनको बोला कि देखिए मैं ऑडिशन आज भेज रही हूँ बट मैं आज सुबह की मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, मैं निकल जाऊँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ होगा तो हम आपको बुला लेंगे, मैंने कहा हाँ बुला लीजिएगा मैं आ जाऊँ। तो मेरे को मुझे मेरे बड़े पापा से मिलना था, तो ही वॉज़ नॉट कीपिंग वेल, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई एंड मुझे फिर तुरंत ही कॉल आ गया कि हाँ से, तो मैं काफ़ी शॉर्ट पूछ के कि आप एक्चुअली लाइक सीरियसली बुला रहे हैं ना, मतलब लाइक देर इज़ मोर चांसेस या क्या है, तो उन्होंने कहा आप बस आ जाओ, तो फिर मैं लकीली इट वॉज़ वेरी 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 फॉर्चुनेट एंड आई विल ऑलवेज़ बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं अपने बड़े पापा से ताऊ जी से मिल पाई और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाई और फिर मैं वापस आ गई यहाँ। अच्छा ये बताइए कि यू नो इंस्पायरिंग जर्नी जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इसमें यू नो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको, यू नो कितना ज़्यादा इंकरेज किया ये सारी चीज़ें करने के लिए? काफ़ी सपोर्ट किया यू नो एंड सपोर्ट पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब भी आपको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस एंड दैट इज़ आई थिंक वो एक फैमिली और फ्रेंड्स का जो सपोर्ट होता है ना वो अनकंडीशनल वाला,
वो मैंने देखा है, बिकॉज़ उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता, हमारे यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, कैसे कैसे, मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे ऑडिशन का प्रोसेस है, कहाँ पे कैसे ऑडिशंस होते हैं, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, एंड देन यू नो तो वो उन चीज़ों में फिर वो चीज़ उन तक कम्युनिकेट करना और उनका सपोर्ट रहना कि भाई अच्छा, तो यू नो, जैसे मेरी मम्मी पहले तो जब मैंने मम्मी पापा को बताया कि मुझे एक्टिंग स्कूल करना है, तो पापा वॉज लाइक अच्छा ठीक है, इट्स लाइक जस्ट टाइम पास थिंग, कर लो, उससे कुछ होना तो नहीं है, हाँ ठीक है कर लो। तो जब मैंने कर लिया, तो उसके बाद मेरे को फर्दर आई गॉट मोर इंटरेस्टेड एंड आई लाइक ठीक है, अब मेरे को लॉ नहीं करना है, आई वॉन्ट यू एक्सप्लोर दिस ओनली, देन दे गॉट लाइक वॉट, उनको लगा टेम्प्ररी है, देन दे वर लाइक अच्छा, तो मम्मी कंटिन्यूसली सेट के यू नो, आप एक काम करो, आप मास्टर्स में एनरोल कर लो एंड फिर कभी कभार क्लासेस चले जाना एंड देख लेना है। नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, और मम्मा ने फिर ज़बरदस्ती मुझे एनरोल करा दिया। एंड आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये आपके पैसे स्पॉइल हो रहे हैं क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी वापस। एंड उन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली दे उनका भी वही है, मैं बोल रही हूँ ना कि उनको भी श्योरिटी नहीं है, उनको भी डर होगा, उनको भी कई सारी फीलिंग्स होंगी जो मैं भी जिन फीलिंग्स से जा रही हूँ, बट दे वॉन्टेड टू बी श्योर फॉर मी, दे वॉन्टेड टू सपोर्ट मी, तो उन्होंने वो भी कराया, बट उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं ऑडिशन करने से या कुछ इस फील्ड में अहेड जाने से, वो भी किया। तो यू नो दे वर लाइक बोथ वेज एंड आई कुड सी दैट। देन माई यू नो माई फादर यूज टू गिव मी पॉकेट मनी एंड सर्वाइविंग हियर इज वॉज डिफिकल्ट। तो माई ब्रदर वॉज हियर, ही डिड नॉट यू नो ही डिड नॉट टेक जॉब्स एल्सवेयर, ये अगर कहीं बाहर इंडिया में, बिकॉज आई वॉज हियर एंड यू वॉन्टेड टू बी देयर फॉर मी। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, एंड नोबडी न्यू वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट, हाउ एम आई सपोज टू मेक इट और क्या है। एंड यू नो कई बार जब मैं बहुत, मेरे को ऐसे डिसहार्टन देख लेते थे या उनको फील होता होगा, तो पापा कई बार बोलते भी थे बेटा जज के, जूनियर जज के एग्ज़ाम दे दो, तुम बेटा ये दे दो, देखो ये निकला है रिक्वायरमेंट, ये दे दो। तो उनको वो लगता था कि यू नो दे वर ऑलवेज वरीड, बट दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट है ना, दैट आई ऑलवेज हैड। हाँ हाँ, इट वॉज अ बिग बिग फ्लॉप। Yeah, my first day in Gum ka shoot was a big flop. There were like so many firsts, so how to fix the look. I think two, three times I went to the salon, baal dhule, phir ye hua look. Phir wo, kyunki usme kuch bar bar spray bahut lag jata tha, ye ho jata tha, gel ho jata tha, kuch look hi nahi decide ho pa raha tha. Phir eventually we came by the evening, hum ek look pe decide karke aaye ki okay, let's start shoot. तो एक जो सीन लगा शुरू का, फर्स्ट सीन, वो यू नो दे आई, इट वाज रिटन इन अ डिफरेंट वे फॉर्मेट इन माय माइंड, आई वाज लाइक अच्छा इसको ऐसे करने को बोलेंगे शायद, एंड फिर वहाँ पे कुछ और करने के लिए बोला, विच फॉर मी डिड नॉट मैच द ग्राफ ऑफ द डायलॉग पोर्शन, एंड इट वाज अ बिग बिग फ्लॉप, एंड आई वाज गेटिंग नर्वस, एंड यू नो आप सेंस कर पाते हो वेयर पीपल आर लाइक यू नो लुकिंग एट यू, जजिंग यू, और नहीं बेटा दिन तो अच्छा तुम्हारा नहीं जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। तो उस मोमेंट में मुझे लग रहा था मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ, और घर जाके तो मुझे लग रहा था मैं भाग ही जाती हूँ शहर छोड़ के, वापस आना ही नहीं मुझे। बट मेरे फ्रेंड्स, माई ब्रदर, एवरीबडी वॉज देयर, तो यू नो सब ने मुझे समझाया कि, एंड दे टुक अप माई लाइन्स, उन्होंने मेरी लाइन्स सुनी और डायलॉग पोर्शन है, एंड दे वर लाइक यार अच्छा तो बोल रही है, कॉन्फिडेंस रख थोड़ा, एंड शायद मे बी दैट, एंड दे वर लाइक, तो उन्होंने कहा गिव इट, लाइक दे वर देयर फॉर मी, एंड देन दे डिड नॉट लेट मी रन ऑल्सो। तो यू नो फिर मैंने वो रात भर उस चीज़ के बारे में, कैरेक्टर के बारे में सोचा, एंड थोड़ा बेटर प्रेप किया अपने आप को। तो यू नो जो होता है ना कि इमिडिएटली स्क्रिप्ट मिली और याद की और जाके बोला, आई थिंक दैट शुड नेवर बी द केस, बिकॉज यू ऑलवेज नीड दैट प्रेप टाइम, कैरेक्टर को बिठाने का भी। एंड देन माय फर्स्ट सीन वाज विद संजय सर, संजय नार्वेकर सर, तो आई हैड लाइक लिटिल बिट गूज़बम्स आल्सो। तो बट आई वाज प्रीटी श्योर के सेकंड डे आई वाज प्रीटी श्योर कि अच्छा जाएगा, एंड देन एवरीबडी लाइक्ड इट। या Amazing. But tell me, how Nii has supported you in the acting in Gum Ka
आर्मी, क्योंकि व्हेन ही केम ही वाज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एक्टर इन द शो. तो हाउ ही हेल्प यू? ही इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस. मतलब जब मैं आई थी तब तो ही वाज वेरी वेरी नाइस के यू नो ही हैड दैट पेशेंस के एंड बहुत लंबे लंबे सीन्स आते थे तो मैं हमेशा ना मैं जैसे एग्जाम में भी रट्टू तोते की तरह से आई डोंट रट्टो बट यू नो आई ऑलवेज वांट द स्क्रिप्ट और द माय आंसर शीट्स के हमेशा एंड टाइम तक हॉल में घुस रहे तब तक पढ़ रहे किताब रख दो, मतलब कोई स्कूल टीचर छीन के रखेगा ना तभी रखी जाएगी वो किताब. तो उतना तक वो हैबिट रही है. तो यू नो मैं एंड तक डायलॉग्स पढ़ना एंड देखते रहना एंड प्रेप सोचते रहना. तो नील सी शुड यू नो काम के हो जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, हो जाएगा. तो दैट मीन्स एंड एवरीबडी यू नो एवरीबडी द होल कास्ट द एंटायर कास्ट इज वेरी एक्सपीरियंस्ड. देर इज किशोरी मैम, देर इज भारती पाटिल, देर इज शैलेश दादर सर, देर इज शीतल मैम, एवरीबडी लाइक हो ओमिका का लाइक मृदुल जी. तो यू नो पूरी कास्ट ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड लोगों की है एंड बहुत स्वीट रहे हैं सब. सब इनिशियली इतने डिफ़िकल्ट लाइक मैं बिगिन कर रही हूँ तो यू नो अगर मुझे मैं कहीं कंस्ट्रक्शन में अटक रही हूँ तो आई यूज़ टू गो एंड आस्क देम कि अच्छा ये एंड या एंड दे ऑल्सो हैड दैट पेशेंस. तो या ऐश्वर्या यू नो जितना आपको लोग प्यार करते हैं नील को प्यार करते हैं इस शो को प्यार करते उतना ही उनको भी प्यार मिलता था शो के लिए. टेल मी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे थी और नाउ शी इज इन केकेके खिलाड़ी वाचिंग. अभी तो शो आया नहीं है तो आई एम नॉट वाचिंग डेफिनेटली बट यू नो everybody has been very busy in our own spaces. तो मेरा ऐसा कोई खास इंटरेक्शन नहीं रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे सीन्स भी इतने कोई ज़्यादा नहीं हैं, मोस्टली अपार्ट ही रहा है. एंड कितनी बार देर आर सीक्वेंसेज वेर आई लेफ्ट द हाउस एंड यू नो हैव माई ओन स्ट्रगल्स एंड तो काफ़ी सही की सोलो जर्नी रही है. तो यू नो दैट एंड व्हेन यू आर टुगेदर एंड यू देर आर लाइक मैसिव सीन्स विद ग्रेविटास एंड वो तो यू आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन प्रेपिंग फॉर द सीन रादर देन यू नो लॉयटरिंग अराउंड. और तो मेरा तो अक्सर समय उसी में जाता था तो इतना कुछ इंटरेक्शन तो उनके साथ इतना नहीं रहा है मेरा बट इट्स बीन डिसेंट. या I am very very grateful to all my fans for loving me and supporting me and ढेर सारा प्यार, इतना सारा प्यार आप लोगों को सिर्फ अभी नहीं हमेशा हमेशा हमेशा.